गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो वाई 200 प्रो फोन में बैकग्राउंड स्टीम नोट वर्किंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करें। अगर आपके भी स्मार्ट साइड बार से बैकग्राउंड स्टीम का फीचर डिसेबल कर दिया गया है और आप यूट्यूब के वीडियो को अगर आप बैकग्राउंड स्टीम में नहीं चला पाते हैं, तो जैसे मैं अपने फोन में आपको सेटिंग करके बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप भी सेटिंग कर लेंगे बिल्कुल आप भी यूट्यूब के वीडियो को बैकग्राउंड स्टीम में चला सकते हैं। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को देखिए ओपन गाइस कर लेना है, बैकग्राउंड प्ले लिख के सर्च कर लेना, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड गाइस कर लेना है। डाउनलोड हमने देखे किया, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेम ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब को देखिए गाइस यहाँ पे ओपन करते हैं और यूट्यूब भी गाइस हमारे फोन में ओपन हो चुका है। इसे देखिए वीडियो को हम यहाँ पे प्ले गाइस कर देते हैं, वीडियो प्ले हो चुकी है। अब इसको अगर आप बैकग्राउंड स्ट्रीम में चलाना तो कैसे हम चला सकते हैं, नीचे आपको प्ले हिट की जो बटन मिलेगी इस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड प्ले का जो ऑप्शन आएगा इस वाले ऑप्शन पर गाइस क्लिक कर देना है और इस पर जब क्लिक कर देंगे फोन को अगर यहाँ पे हम लोग भी गाइस कर देंगे तभी देखिए ये वीडियो गाइस बिल्कुल हमारे फोन में बैकग्राउंड में गाइस चल रही है। तो ऐसा अगर आपके भी फोन से बैकग्राउंड स्ट्रीम का फीचर डिसेबल कर दिया गया है, आप अगर यूट्यूब के वीडियो को बैकग्राउंड स्ट्रीम में नहीं चला पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया ऐसे अगर आप भी सेटिंग कर लेंगे बिल्कुल आप भी यूट्यूब की वीडियो को बैकग्राउंड स्ट्रीम में चला सकते हैं।